पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वामी नारदानंद ऋषि आश्रम में राम नवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और आरती संग्रह का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रातः देवी यज्ञ, भगवान राम का अभिषेक और सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन हुआ। 101 से अधिक कन्याओं का पूजन कर देवी रूपी कन्याओं का आशीर्वाद समिति के सभी सदस्यों ने प्राप्त किया। देवी यज्ञ में वेद मंत्र उच्चारण के मध्य पुरोहित पंडित जगदम्बा प्रसाद द्वारा यज्ञ कराया गया। यज्ञ के मुख्य यजमान अशोक गुप्ता और नीता गुप्ता रहे। यज्ञ में नीरज मित्तल, के शर्मा, विनय मिश्रा, प्रमोद रस्तोगी, बाबा संजीव आकांक्षी, मुन्ना गुरु पत्रकार, राखी शर्मा, वर्तिका शर्मा, रचना मित्तल, गिरिराज स्वरूप भटनागर, रामेंद्र शर्मा आदि प्रमुख भूमिका में रहे। रामगंगा किनारे स्थित श्री ऋषि आश्रम में लगभग 70 वर्ष पुराना श्री हनुमान जी का विग्रह है। साथ ही राम दरबार, गणेश, लक्ष्मी और दुर्गा की बड़ी प्रतिमाएं इसके साथ ही आदि जगदाचार्य, स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी सर्वदानंद सरस्वती जी के साथ साथ आदि शंकराचार्य के भी प्रतिमा स्थापित है। श्री राम जन्मोत्सव आज रामनवमी के अवसर पर स्वामी नारदानंद ऋषि आश्रम लालबाग में एक भव्य आयोजन जो पिछले 2 वर्ष से हम करते आ रहे हैं रामनवमी पर, राम का आयोजन में भगवान राम का जो यहाँ दरबार है उसका अभिषेक, देवी का यज्ञ, सामूहिक कन्या पूजन, ये पूरा आयोजन हम लोग पिछले कई वर्ष से करते आ रहे हैं और रामनवमी और दुर्गा नवमी के अवसर पर यहाँ पर सामूहिक कन्या पूजन और देवी यज्ञ प्रतिवर्ष होता रहा है। इसमें पूरे रामलीला महासंगठन के लोग साथ साथ श्री नारदानंद ऋषि आश्रम की जो हमारी कमेटी है इसके लोग, इसके अलावा भारत विकास परिषद के लोग, हमारे मित्र मंडली, ये सब लोग मिलकर के इस भव्य आयोजन में सबका सहयोग रहता है। सब बड़े मनोयोग से इस आयोजन में जुड़ते हैं और प्रतिवर्ष ये बहुत सुंदर आयोजन होता रहा है। और इस आयोजन में मैं समझता हूँ जो एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, जो यज्ञ हम करते हैं जिस भाव से करते हैं, माँ देवी की कृपा तो हम पे बरसती ही है। इसके साथ साथ जो भगवान राम, आज पूरा विश्व भगवान राम के चरणों में नतमस्तक है। जब से अयोध्या में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, वहाँ एक रामलला की सुंदर प्रतिमा का वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है, तो वो जो आनंद है उस आनंद की अनुभूति चहूं और बरस रही है और उसी आनंद के साथ साथ हम यहाँ बैठ करके उस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हमारे सारे मित्र मंडली, सारे ऋषि आश्रम से पुराने जुड़े हुए सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं इस आयोजन में, और क्योंकि ये 80 साल पुराना तो मैं समझता हूँ ऋषि आश्रम है ही, और आदि जगदाचार्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका मैं शिष्य हूँ, 13 वर्ष की अवस्था में दीक्षा प्राप्त हुई थी, उनके इस पावन स्थान पर पीछे हमारे गुरुदेव की प्रतिमा है, गुरुदेव के चरणों में खड़े होकर के मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, ये इससे बड़ा मेरे लिए आनंद नहीं हो सकता। क्योंकि एक बालक के लिए अपने पिता का सम्मान और एक शिष्य के लिए अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से जीवन में कुछ कर पाना, इससे बड़ा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे साक्षात ब्रह्मोपी गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर हम इस आश्रम में ये आयोजन हो रहे हैं और बहुत रौनक आज देख रहे हैं। लाखों लोग काली के मंदिर में यहाँ आते हैं, हजारों लोग यहाँ आश्रम में भी दर्शन करके गए हैं, बहुत सुंदर यहाँ हो रहा है। और आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ भंडारे का आयोजन हो रहा है, बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रसाद का वितरण हजारों लोगों को किया जा रहा है। और इस आयोजन में जिन लोगों का भी सहयोग रहा, मैं उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ कि वो हमें ऐसी सद प्रेरणा दें और ऐसे आयोजन हम निरंतर करते रहें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।